लक्ष्मी, देखा, ये तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, तेरी लगन है जो तेरा सपना पूरा हुआ। देख, तेरी बस्ती आज अयोध्या की तरह जगमगा रही है। कल सुबह पुलिसकर्मियों का एक दल हिरासत में ले लेगा, क्योंकि ना तो मैं संदूक ढूंढ पाया और ना ही किसी के खिलाफ सबूत जुटा पाया। कर्म किसी का और दंड किसी और को, ये तो अन्याय है। और सब कुछ जानते हुए भी अगर मैं चुप रही तो मैं भी इस पाप की भागीदार बनूंगी। और अगर मैं विष्णु को बचाने के लिए वो संदूक का रहस्य खोल देती हूँ तो केशव के पिताजी संकट में आ जाएंगे। वहिनी, वहिनी, चमत्कार हो गया शिरडी में, पता है पूरे द्वारका वही जगमगा रही है और छिपरी की बस्ती भी जगमगा रही है। हाँ, वो भी उन दियों से जिनमें तेल नहीं पानी है। साई ने पूरे गांव के सामने पानी से दिए जला दिए। साई ने साई के पास ही मेरी दुविधा का उत्तर होगा। परीक्षा, एक और परीक्षा। कहीं उस दिन साई ने जो परीक्षा का संकेत दिया था मुझे, ये वही परीक्षा। वहिनी, वहिनी, आप कहाँ जा रही है? वो भी इतनी रात को अकेले। मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी है। कहाँ जा रही हो? बोलो। मैं वो क्या? मैं वो हूँ? वही जा रही हो ना जहाँ पूरा गांव पहुंच चुका है? उस ढोंगी द्वारा बुने गए मायाजाल को देखने? ये विश्वासघाती लोग साई के पैरों में गिरे जा रहे हैं और वो भी मेरे सामने। खंडहर से लेकर यहां तक हर व्यक्ति अपने घर से उस पाखंडी का चमत्कार देखने जा रहा है। और रुक्मिणी, मेरी आज्ञा की अवहेलना करने का दंड तुम्हें बार बार मिल चुका है। ये शव भी केवल तुम्हारे कारण यहां नहीं है और उसके पश्चात भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। अंदर जाओ। सब वहां पर थे क्या? क्या देखा तुम लोगों ने वहां पर? ए, तू बता। हमने तो कुछ नहीं देखा सरकार, आपके होते हुए हम किसी और की ओर क्यों देखें? लेकिन सबका मानना है कि उसने पानी से दिए जलाए है कि नहीं? बनता तो बता। मूर्ख मूर्ख लोग हैं सरकार, पानी से दिए कोई जला सकता है क्या? इसका मतलब है तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा। मैंने देखा, उसने दिए जलाए लेकिन तेल से नहीं, पानी से।
पानी। जब आप कह रहे हैं तो पानी होगा सरकार। आपके प्रश्नों के उत्तर आपकी अंतरात्मा आपको दे रही है। निर्णय आपको ही लेना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा जो आपने कहा। ऐसा दिव्य चमत्कार, ये तो खंडोबा की कृपा है हम पर कि हम शिरडी की इस पावन भूमि पर उस समय में हैं, जिस समय यहाँ साई जैसे दिव्य पुरुष हैं। अंदर नहीं आएंगे आप? अब भी नाराज हैं हमसे? मुझे माफ कर दीजिए। मेरा अहंकार ही था कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। कहीं और देखा ही नहीं असली अपराधी को ढूंढने के लिए। मैंने अपने काम के प्रति कोई बेईमानी नहीं की, लेकिन मैंने ईमानदारी में औरों के साथ अच्छा नहीं किया। अब अंग्रेज सरकार मुझे जो भी सजा देगी मैं स्वीकार कर लूंगा। चिंता मत करिए, सब ठीक ही होगा। यमुना से भी मिल लीजिए, उसे मना लीजिए। तुम्हारा अपराधी हूं यमुना। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत दुख। द्वारकामाई में साई का चमत्कार देखने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अपने अहंकार के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तुमसे माफी मांगू भी तो कैसे मांगू, जब मैं अपने आप को ही माफ नहीं कर पा रहा हूं। कभी किसी से इतनी घृणा नहीं हुई जितनी आज अपने आप से हो रही। परेशान मत होइए, साई के पास जाइए और उनसे माफी मांगिए। आपको जो कहना है साई से कहिए। आज तक वही मार्ग दिखाते आए हैं, तो फिर आज भी वही मार्ग दिखाएंगे।
मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। आपको समझने में गलती कर दी मैंने, और कल मुझे आत्मसमर्पण करना होगा। आत्मसमर्पण तो कभी ना कभी सभी को करना है, उसका भय नहीं होना चाहिए। ये बाल कृष्णा कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे से ज्यादा अच्छे होने चाहिए, किसी की शादी का तोहफा है ये, एक मामा की ओर से एक भांजी के लिए। लेकिन मैंने आपके बारे में पता किया था, किसी ने बताया नहीं कि आपका परिवार भी है, या आपके बहन के बारे में। यमुना मेरी भांजी जैसी ही तो है, ये बाल कृष्ण हमेशा उसके पास रहेंगे, उसके घर की याद बनकर, उसे रास्ता दिखाने के लिए। यमुना की शादी कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि कल मुझे आत्मसमर्पण करना है, और रात खत्म होने में कुछ समय ही बाकी है। विश्वास रखो, मेरी भांजी यमुना की शादी तो होगी ही, और जैसा मैंने कहा कि आत्मसमर्पण, वो भी होगा। सब कुछ सच सच बता दिया है। वो संदूक जो गांव के हर एक निवासी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गया है, जिसके कारण सबकी दिवाली की खुशियां कम हो गई है, वो संदूक मेरे ही घर में छुपाया गया है, और अगर ये बात मैं सबको बताती हूं तो अपने पति के अपमान का कारण बनती हूं, और अगर ये बात मैं छुपाती हूं तो निर्दोष लोगों पे हो रहे अन्याय अत्याचार में भागी बनती हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे मार्ग दिखाएं साईं। और जब से संदूक मिला है, आप अपने इस अंतर्द्वंद से जूझ रही हैं। हाँ साईं, लग रहा है मुझे कोई रोग हो गया है, ना नींद आती है ना खाने की कुछ इच्छा होती है, जागती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, मन इतना अशांत कभी नहीं हुआ है। अल्लाह मालिक,
लेंडी बाग, मेरे पौधे मुझे बुला रहे हैं। पर मेरे प्रश्नों का उत्तर तो आपके प्रश्नों के उत्तर आपकी अंतरात्मा आपको दे रही है, बस आप उसे सुनना नहीं चाहती। निर्णय आपको ही लेना है साईं, लेकिन आप मुझे इस परीक्षा में अकेले छोड़ के जा रहे हैं। मुझे जब भी कोई पुकारता है अपने साथ ही पाता है। पुलिस मुख्यालय लौट रहा था। तो क्या अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या क्या स्वप्न लेकर आया था यहाँ पर, सब खो दिए, यमुना को भी। भाग्य कौन बदल सकता है। अच्छा चलता हूं। आपके प्रश्नों के उत्तर आपकी अंतरात्मा आपको दे रही है, बस आप उसे सुनना नहीं चाहती। निर्णय आपको ही लेना है। सुनिए, कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आज के बाद ये वर्दी भी नहीं पहन सकूंगा। जेल से बरी हो भी गया तो भी मुझे गद्दार कहा जाएगा आजीवन। साई से कहिए, आज तक वही मार्ग दिखाते आए हैं तो फिर आज भी वही मार्ग दिखाएंगे। मेरी भांजी यमुना की शादी तो होगी, और जैसा मैंने कहा कि आत्मसमर्पण वो भी होगा। क्या कहना चाहते हैं साई? यमुना और मेरी शादी, मुझे उस पर दोबारा विचार करना होगा। अब मैं यमुना को दोबारा नहीं देख पाऊंगा, कभी नहीं लौट पाऊंगा उसके पास।
गया कुएं में। Sai Ram.